फ्रेंड्स, मैं ये लैपटॉप है मेरे पास डेल का इंस्पीरियन 1564। इसके अंदर मैंने इसकी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है मदरबोर्ड, ठीक है। इसके ऊपर पेस्टिंग करनी प्रोसेसर पे, कैसे पेस्टिंग करते हैं वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने वैसे ये कुछ स्क्रू इसके खोल दिए, 1 2 3 4, ठीक है, ताकि वीडियो शॉर्ट बने और जल्द से जल्द ये वीडियो ख़त्म हो सके। तो आप ये देखते रहिएगा, ये पहले बैटरी निकाल लें इसकी बाहर, ठीक है। उसके बाद सारे स्क्रू खोल लें, देखें कोई स्क्रू रह तो नहीं गया। ये सीडी रोम का स्क्रू होता है, यहाँ से ये सीडी रोम आप यूँ बाहर निकाल लें, ठीक है, ये देख लें। उसके बाद आपने यहाँ से ये सारे स्क्रू जो जो रह गए हैं उनको भी आप ओपन कर लें वन बाय वन। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से भी इसको ओपन करें, इधर से भी ओपन करें, ठीक है, यहाँ से भी ओपन करें। ओपन करने के बाद ये कवर भी आप हटा दें, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से कोशिश करें ये हार्ड डिस्क भी हटा दें, ठीक है। ये जो है वाईफाई की ये वायर है, इसको आप इधर से लूज़ कर दें, ठीक हो गया। इधर से वाईफाई का भी कार्ड ना ही निकालें, बाकी ये एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जब ये लैपटॉप की ये साइड आप सारी ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद आपने ये एक स्क्रू रह गया है हमारा खुलना, ये मेरे ख्याल से फ्री हुआ हुआ पेज, इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। ये नेक्स्ट पेज यहाँ पे एक रह गया था। स्क्रू सारे आपने देखने के, कोई मिस ना हो जाए, ठीक है। अगर कोई एक मिस हो जाता है ना तो फिर वो लैपटॉप ओपन नहीं होता, ठीक है, तो वो बाद में फिर प्रॉब्लम कर देता है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको यूँ पलटाना है। पलटाने के बाद ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में, यूँ हल्का सा हाथ रखना, हाथ रखें। हाथ रखने के बाद आपने इसका जो है ये सेंटर में से यहाँ से यूँ खोलना है, ये देखिए, ये मैंने ये कवर इसका ये निकाल दिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये कवर मैंने इसका निकाल दिया। अब सिर्फ ये कीबोर्ड रह गया, कीबोर्ड को आपने खोलना है, ठीक है, बड़े तरीके से आराम से। स्क्रू आपने संभाल के रखने हैं, कोई स्क्रू गुम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्क्रू का ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ से ये स्क्रू रखे। उसके बाद आपने एक स्क्रू ये रह गया अभी मज़ीद, ये दरअसल मेरा कैमरा कोई पकड़ने वाला नहीं, मैं अकेला बना रहा हूँ, इस वजह से ना ज़रा हो सकता है कि वीडियो में थोड़ी कमी हो जाए, लेकिन आप ये नोटिस कर लें कि ये कैसे मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से आपने ये कीबोर्ड निकालना है, कीबोर्ड निकालने के बाद आपने इसके कीबोर्ड की यहाँ पे रख दें, ठीक है। उसके बाद आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लगे हुए हैं, यहाँ से आप इनको भी ओपन करें, ठीक है, क्योंकि आपने मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर जहाँ पर है वहाँ पर आपने पेस्टिंग करनी है, और जहाँ पे वो इसका हीट सिंक है ना फैन, उसकी हमने क्लीनिंग करनी है, जिस वजह से सिस्टम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। गर्म होने की वजह से बार बार सिस्टम ये शट डाउन हो रहा है, तो सिस्टम इस तरह शट डाउन नहीं होगा अगर हम इसको जो है प्रॉपर जो है ना इसका अगर हम वो पेस्टिंग इस पर करेंगे, इसको क्लीनिंग करेंगे फ़ैन की, तो फिर ये इस तरह वो करेगा नहीं, ये फिर शट डाउन नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रॉपर दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। एक एक चीज़ आप देखिएगा, कोई स्क्रू रह तो ना गया, अगर कोई स्क्रू रह जाए। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये जो मैंने केबल्स थी, ये वाईफाई की केबल, ये वाली केबल आपने याद से इसको इधर निकालना है, ठीक है। ये जब आप निकाल लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है,
ये कोई एक पेज लगा रहने से भी ये प्रॉपर ओपन नहीं होता। तो ये देखिए मेरा एक पेज लगा हुआ है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। मे बी ये ना इन साइड से डैमेज हुआ हुआ, इस वजह से वो पेज ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, आपने फिर क्या करना है, इसको आस्ता आस्ता यूं करके यूं खोल देना। ठीक है, ये आपका ये कवर भी आपका आ गया, इधर ये लैपटॉप आ गया आपका, इसका मदरबोर्ड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस मदरबोर्ड पे यहाँ पे फ़ैन को क्लीन करना है और ये मदरबोर्ड पूरा निकाल के इसकी क्या कहते हैं पेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो आप ये देखते रहिएगा, पहले आप यहाँ से इसको यहाँ पे ये रख दें आप, उसके बाद आपने क्या करना है, ये स्क्रू बहुत संभाल के रखने, अगर एक स्क्रू भी मिस हो जाएगा ना आपका तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर मदरबोर्ड की फिटिंग नहीं होगी। आपको स्क्रू का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, और इसको क्लीन करना है पूरे फैन को, फिर पेस्टिंग आपने करनी है इसके ऊपर, पेस्टिंग आप करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका ये जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है ये हीट नहीं होगा। ठीक है, ये मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली हर चीज़ समझ आ जाए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ की। ये आप देखते रहिएगा गौर से कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कैसे मैंने इसको ओपन किया है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा। फ्रेंड अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें एक दो तीन चार सारे आ गए हैं, यहाँ से ये फैन की भी वायर को हम इधर निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने करना है क्या है अभी निकालना, ये स्क्रू भी इधर आ गया। अब ये आप देख सकते हैं ये आपका फैन कंप्लीटली बाहर आ रहा है। ये जो केबल है ये केबल आपने इसको नीचे कर दे, और अब आप ये देखें कितनी इसके अंदर डस्ट है जिस वजह से ये गर्म हो रहा है। देख रहे हैं आप ये डस्ट, ये इसकी आपने पूरी क्लीनिंग करनी है। ये मदरबोर्ड है, ठीक है, इसको मैं इधर रख देता हूँ एक साइड पे। ये आप इसका फ़ैन देखें, इसमें कितनी डस्ट है जिस वजह से ये फ़ैन की हमने क्लीनिंग करनी है, और इसी वजह से ये गर्म हो रहा था मदरबोर्ड और ये काम नहीं पूरा प्रॉपर कर रहा था। मेरे पास ये एक ब्रश है, उससे मैं ये साफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फैन मैंने क्लीन कर लिया, ये आप फैन देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद आपने इस मदरबोर्ड के ऊपर क्या करना है, इस मदरबोर्ड के ऊपर आपने इसका ये फ़ैन ओपन करना है। क्या करना है, यहाँ से ये जो है हीट सिंक का, यहाँ पर आपने बेसिकली इसके ऊपर पेस्टिंग करनी है। क्या करनी है, पेस्टिंग। वीडियो को गौर से देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, ये मैंने यूँ फ़ैन का ये कवर, ये जो है इसका हीट सिंक, ये मैंने उतार दिया, इसे हम हीट सिंक कहते हैं। ठीक है, वो फ़ैन था, ये हीट सिंक है, ये इसका प्रोसेसर है। अब इसकी हमने यहाँ से पहले आप इसकी पेस्टिंग जो है ना इसको रिमूव करें। ठीक है, अभी मैं ऐसा करता हूँ,
मैं कोई टिश्यू या किसी चीज़ से इसकी वो पेस्टिंग कर देता हूँ। और आपने क्या करना है इसकी, ये जो पेस्टिंग है ना इसको बस आपने ये हटाना है, ठीक है, किसी टिश्यू पेपर से किसी उससे, ये जम गई है दरअसल, इस वजह से इसमें ना वो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब ये मेरे पास एक पेस्ट है, ये आप देख सकते हैं, इस पेस्ट को इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। पहले मैं इसको और मज़ीद साफ़ कर लूँ, ठीक है, ये मैंने करने के बाद ये देखिए इधर भी सारी वो पेस्ट लगी हुई है जमी हुई, देख रहे हैं आप इसकी, ये यहाँ पर सारी पेस्ट ये भी उतर गई है। अब हमने क्या करना है, ये इसके ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है, जहाँ जिस जो चिप, अगर आपका समटाइम डिस्प्ले नहीं आ रहा हो ना सिस्टम का, तो आपने इस वाली चिप को ना हीट देनी है, थोड़ी सी हीट देंगे तो उसके बाद आप अगर ऑन करेंगे तो आपका डिस्प्ले आ जाएगा लैपटॉप का। ये भी आप देखते रहिएगा, मैं आपको साथ साथ हर चीज़ बताए जा रहा हूँ, भूलिएगा नहीं, ठीक है। थोड़ी सी बस ये इसको आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, ये आपने पेस्ट इसके ऊपर इधर कर दी। आप ये देख सकते हैं इस हीट सिंक को भी मैंने पूरी से यूँ साफ कर दिया है, ठीक है, सिर्फ साफ ही किया और कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। इसको साफ करने के बाद एज इट इज़ आपने क्या करना है, इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है, बड़े एहतियात के साथ। ये देखें ये इधर आ गया, मैंने प्रोसेसर ओपन नहीं किया, अगर प्रोसेसर ओपन करना है तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी ओपन करने की, फजूल में ओपन करने का कोई जवाब नहीं बनता, इस वजह से मैंने प्रोसेसर ओपन नहीं किया, ठीक है ना। जो मकसद नहीं है जिस चीज़ को ओपन करने का, हमने सिर्फ फ़ैन की क्लीनिंग करनी थी, प्रोसेसर पर पेस्टिंग करनी थी, वो हमने कर दी है, हमारा काम कम्प्लीट हो गया। अब बस हमने एज इट इज़ ये मदरबोर्ड को लैपटॉप में फिट कर देना है, फिट करने के बाद ये आपका काम कंप्लीट है। ये आपने पेस्टिंग कर दी है इधर, ये इधर इसकी सफाई हो गई है, ये इसका फ़ैन है जिसके अंदर डस्ट थी वो हमने निकाल दिया, अब हम इसके साथ इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो अब आप देखें, आपने अगेन वैसे ही ये लैपटॉप आपने पकड़ना है, ठीक है, लैपटॉप आप अपना उठाएँ, अगेन एज इट इज़ आपने जो जो सी चीज़ जहाँ जहाँ से निकाली है वहाँ वहाँ पे आप लगा दें। इसमें भी बल्कि ये मेरे ख्याल से बड़ा पुराना लैपटॉप है जिसके अंदर इतनी डस्ट है, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम ही क्लीन हो रहा है, आज तक शायद ये हुआ ना हो, शायद इसको मेरे ही हाथ लगे, चलें अब आपने क्या करना है, इसकी पहले इस वायर को ऊपर कर दें, यहाँ से जो वायर है वो इसको ऊपर कर दें, और ये वायरिंग आपने ज़रूर देखनी, जो सी चीज़ जहाँ पर है ये वहीं पर लगानी है, कोई एक वायर भी मिस हो जाएगी ना तो आपको दोबारा से लैपटॉप का मदरबोर्ड ओपन करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, बड़े एहतियात के साथ एक एक चीज़ देख कर, ठीक है, गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें, नहीं तो मेहनत दोबारा हो जाती है, ठीक है, गलती हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन क्या हमें
हर चीज़ बहुत एहतियात के साथ और देखभाल के करनी है, ठीक है। अगेन ये वाली केबल आप यहाँ पे इसको एंटर कर दें, ये देखें आप, ये मैं कैसे इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, ये इसके अंदर इंसर्ट की है, यहाँ पे इसको पंच कर दिया। ये वाली केबल है, इसको भी अगेन इसके अंदर से आई थी, इस केबल को हमने इसके अंदर लगा दी। ये स्पीकर है, ये स्पीकर को हमने वापस उसकी जगह पर कर दिया। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये केबल को हमने इसके इस पॉइंट पर एडजस्ट कर दिया, ये आपका मदरबोर्ड फिट हो गया, ठीक है। अभी ये जो है, ये वाली केबल आपने इसका ख्याल रखना है, ये जहाँ से निकाली है इसकी वहीं से ही केबलिंग होगी और ये वहाँ पर ही जाके फिट होगी, ठीक है। एक इस केबल का ख्याल रखना है। सेकेंडली, ये देखिए, मैं जब ये लैपटॉप खोल रहा था तो अचानक मेरे हाथ में एक वायर आ गई थी। अब वो वायर, मैं ये सोच रहा हूँ वो वायर किस पॉइंट की थी। खैर, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। इसका फ़ैन कहाँ गया, हीरा फैन, ठीक है। इस फैन को हमने यहाँ से यूँ पकड़ना है और देखें, ये फैन भी इसका लग गया इधर, ठीक है, ये फैन इधर आ गया। अब आपने क्या करना है, बड़ी खूबसूरती के साथ आप लगा दिए। ये भी स्क्रू हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये भी स्क्रू लग गया, सारे स्क्रू लग गए, फैन भी फिट हो गया, डस्ट भी साफ हो गया, ये वाईफाई की केबल यहाँ पे, ठीक है। ये जो केबल है ये इसकी पावर की है जो हमने इसको उस पर देनी है, ठीक है। तो इसका ध्यान से रखिए। अब आपने क्या करना है, आपने इसको एज इट इज उठाना है। उठाने के बाद ये वाली केबल देख रहे हैं, ये वाली, ये केबल इसमें रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये कीबोर्ड की आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, पहले आपने एक काम करना है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है आपसे, वो मिस्टेक क्या हो गई, आपने ये वाईफाई की केबल निकालनी है। केबल निकालने के बाद आपने क्या करना है, मेरे काम तो नहीं पूरा, टिकट भी नहीं, पासपोर्ट भी नहीं, ठीक है। वो फिर प्रमोद साहब करता तो फिर मैं ये फैसला किया तेरा से गवाही बड़ी शायद मैंने तेरे ऊपर ये बोल रहा हूँ पता तो बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ जी सर क्यों बोल रहा हूँ असल में आये दर्दियाँ दे रहा हूँ मेरे नेक्स्ट पार्ट के लिए ये जो 6800 हो गया इसका वीजा एक्सपायर हो गया अगले दस छः वीजे पर प्रोजेक्ट कर दूँगा ये उन्होंने पैसा तो उड़े बार बार तो अड़ी बोला था सत्रह
ठीक है, ये केबल एज इट इज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रिमोट के हैं ये आप इसको दबाएंगे तो ये पंच होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ का एक जो स्क्रू जो है ना वो निकल रहा था उसके ऊपर आपने एक ये लगा देना है, स्क्रू टाइट कर दें ताकि ये हमें तंग ना करे। ठीक है, ये आप देखते रहिएगा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आप देखते रहिएगा। ये वाली जो केबल है, ये वाली केबल, ये पावर की केबल इसके अंदर जाएगी, ठीक है। ये वाली पावर की केबल तो आगे देख लीजिए, ये आपने क्या करना है, इस कीबोर्ड की जो ये केबल है ये आप इसके अंदर इंसर्ट करें। कीबोर्ड के इस साइड पे जो स्क्रू लगते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो छोटे वाले स्क्रू होते हैं, इसके ऊपर आपने खास ख्याल रखना है। ये हर चीज़ अपनी जगह आ गई, उसके बाद आपने ये आप देखें, ये मैं इसके अंदर फिट कर रहा हूँ। जिस टिप इसमें लग गई ये पावर की है, उसके बाद इसको बता देना, ये हड्डी जो आपने जहाँ से निकाल दी थी कर देना,
अब आपने क्या करना है, ये जो पेज आपने जो ओपन किए थे ये सारे पेज आप वापस अपनी जगह पर रखना, ठीक है, ताकि अब हम इसको क्लोज करें। आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने सिर्फ मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में बोर्ड खोल के पेस्टिंग करके उसके वो फिनिश कर दी, ठीक है। पेज आपने भी ऐसे ही एक डबिया के अंदर रखने हैं ताकि कोई पेज गुम ना हो सके, क्योंकि लैपटॉप का एक पेज गुम हो जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ये सीडी रोम था, ये हमारा डीवीडी रोम की जगह पर आ गया, ठीक है। उसके बाद इधर भी स्क्रू हो गया, ये दो छोटे छोटे पेज थे जो मैंने इधर से खोले थे, ये वापस अपनी जगह पर आ गए। ये आप देख लें, जो सा पेज जहाँ से निकालो वहीं पर लगाओ, ठीक है। मेरे पास पेज बहुत है, अगर एक गिर भी गया तो मेरे से तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आप देखते रहे, उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे सारे पेज हो गए हैं। अच्छा, अभी ये देखे ना, ये रहना रह गया है पेज, अभी आप देखते रहें कौन कौन से पेज हैं। पेज लगाने वाली जगह तो है ना, अभी कैसे है सेंटर में अगर कोई पेज मिस हो जाए तो उसका मसला नहीं है, लेकिन जो ये कब्जे हैं ना, इधर पेज लाजिम लगे होने चाहिए ताकि आपकी LCD ओपन होते हुए बंद होते हुए कोई आपको टेंशन परेशानी ना हो सके। ये पेज के वैसे ही सारे टूटी हुई थी, ठीक है, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप इसको बैटरी तक करें, ये कवर को एक वायर की वजह से इसकी ग्रिप पूरी नहीं हो रही, अगर कोई चीज़ वो ना हो रही हो तो आप ये समझ लेना कोई डिस्टरबेंस है, इस वजह से जो है उसकी कवरिंग नहीं हो पा रही प्रॉपर। तो आपने ज़ोर आजमाई इसके साथ नहीं करनी, ठीक है, ध्यान के साथ एक एक काम करना है। ये आपका पूरा लैपटॉप की ये हो गया, देखिए, ठीक है। इस तरह ही आपने पूरा लैपटॉप ओपन करना है, उसके फ़ैन की क्लीनिंग करनी है, इसके साथ टेस्टिंग इसके साथ करनी है, ठीक है जी। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, मैंने आपको दिखाया है कि अगर आपका सिस्टम बार बार शट डाउन हो रहा हो, नीचे से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा हो, तो
तो आपने हीट सिंक की सफाई कैसे करनी है, फ़ैन की सफाई कैसे करनी है, फिर प्रोसेसर पे पेस्टिंग कैसे करनी है, और लैपटॉप को ओपन करके कंप्लीट किस तरह बंद करना है, ये आपको मैंने पूरा समझा दिया। एज इट इज़ आपने भी हर लैपटॉप को ऐसे ही ओपन करना है और इस तरह वर्क करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।